हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त राइडर वीर जी और मणिपुरी राइडर फैमिली का स्वागत करता हूं आज एक नए वीडियो के अंदर। इस वीडियो में आपको दो चीजें बताने वाला हूं टीवीएस राइडर को लेकर। यहां पे आप लोग काफी ज्यादा पूछते होंगे इस बाइक में टीवीएस ने जब इस बाइक को लॉन्च किया था, जो उनका टीजर आया था ऑफिशियल लॉन्च के टाइम, उन्होंने बोला था बाइक के अंदर ऑयल कूलिंग सिस्टम आता है, लेकिन अभी तक शायद किसी को नहीं पता है। आप लोग काफी ज्यादा कमेंट और मैसेज करके मुझे पूछते होंगे ऑयल कूलिंग सिस्टम इसमें कहां है, क्योंकि नॉर्मली बाइकों में ऑयल कूलिंग या फिर रेडिएटर, एक छोटा रेडिएटर दिया जाता है ऑयल कूलिंग के लिए और लिक्विड कूलिंग के लिए एक बड़ा रेडिएटर बाइक के अंदर दिया जाता है, तो इस बाइक में वो नहीं है फ्रंट के अंदर। काफी मैंने ढूंढ लिया और आप लोगों ने भी ढूंढा होगा, आपने बाइक परचेज किया तो भाई ऑयल कूलिंग कहां पे है, लेकिन कहीं नहीं मिली आपको, मुझे पता है। और आज की वीडियो में वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं। दूसरी चीज की बाइक के अंदर टीएफटी स्क्रीन भी टीवीएस वालों ने बोली थी कि टीएफटी स्क्रीन बाइक के अंदर देंगे, तो वो टीएफटी स्क्रीन बाइक के अंदर इंस्टॉल की जाएगी बाद में या फिर उसका एक नया मॉडल आएगा, उस चीज के बारे में भी अभी किसी को नहीं पता है। दोनों चीजों के बारे में यहां पे इस वीडियो में बात करने वाला हूं सभी से। तो यहां से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑयल कूलिंग मैं आपको दिखा देता हूं बाइक में कहां पे मिलती है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, देखो कोई भी कंपनी की कोई भी बाइक होती है, चाहे वो कोई भी बाइक हो, अगर उसके अंदर ऑयल कूलिंग आती है तो ऑयल कूलिंग के लिए एक छोटा सा रेडिएटर दिया जाता है और वो रेडिएटर यहाँ पे लगा होता है, यहाँ पे छोटे से साइज का होता है। और जो लिक्विड कूलिंग बाइक होती है उनके अंदर बड़े साइज का रेडिएटर यहाँ पे दिया जाता है, लेकिन इस बाइक में ना तो कोई बड़ा रेडिएटर है और ना कोई छोटा है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मैंने इसको काफ़ी जगह देखा है, इनको सब कुछ खुलवा के भी मैंने देखा हुआ है एजेंसी में, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। तो यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है जहाँ पे मुझे थोड़ा शक हुआ था वो ये पार्ट है। मुझे लगा था कि इसके अंदर इसका ऑयल कूलिंग सिस्टम है इस पार्ट के अंदर, फिर मैंने शोरूम में इस पार्ट को खुलवा के देखा और फिर यहाँ पे सच में वो चीज़ दी हुई है। और किस तरह से दी हुई है, कैसे काम करती है, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। पहले मुझे दो बुलेट यहाँ पे खोलने होंगे, तो मैं फटाफट ये दोनों बुलेट यहाँ से खोल लेता हूँ, उसके बाद आप सबको दिखाता हूँ कि कैसे ये ऑयल कूलिंग सिस्टम इस बाइक का काम करता है और कहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले अपन एक बार टूल निकाल लेते हैं बाइक का और यहाँ पर बता देता हूँ कि बाइक के अंदर जो टूल आता है ना, उसमें इतनी चीज़ें नहीं होती कि आप उससे ये सब चीज़ें खोल सको। तो इधर टूल किट में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मैंने ऐड कर रखी है, मैंने खुद से ऐड की है। कभी आप मुझे कमेंट या मैसेज करके ये बोलो कि भाई हमारी बाइक के टूल में इतना कुछ सामान नहीं है, तो ये मैंने खुद से ऐड किया है, क्योंकि मुझे बाइक के साथ जो टूल किट आता है बड़ा बेकार लगता है, कुछ भी नहीं होता उसमें। इस पर काफ़ी स्क्रैचेस भी आए हुए हैं, जो कि मैं एक बार पहाड़ पे चढ़ाई थी बाइक, आपने वीडियो देखी होगी, पहाड़ पे चढ़ाते टाइम बहुत सारे स्क्रैच आ गए बाइक पे। तो ये जो देख रहे हो ना, ये आपको देखने में कुछ ऐसा लग रहा होगा जैसा कि यहाँ पे ये हेड के ऊपर दिया जाता है, और ये हेड के ऊपर क्यों दिया जाता है आपको इस चीज़ के बारे में पता होगा, ताकि हेड थोड़ा ठंडा रह सके जब बाइक चलती है। तो एयर कूलिंग इसी को बोलते हैं, एयर से ये चीज़ें ठंडी होती है जो कि इंजन को ठंडा रखती है। लेकिन यहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा अलग है, ये जो यहाँ पे जाली सी दी हुई है, लाइन सी दी हुई है ना मेटल की, इनका काम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे दो पाइप दिख रही होगी साइड में से, ठीक है, नोट करना, यहाँ से एक पाइप ये और एक पाइप ये। अब ये जो पोर्शन है ना, ये जो पार्ट है, ये इंजन से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे इस पार्ट में यहाँ पे एक पार्टीशन कर रखी है इसको अंदर से, मैंने अंदर से खुलवा के भी देखा, आपको बता देता हूँ। देखो इतनी चीज़ें मैं पता नहीं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये दरअसल अंदर कीड़ा होता है ना कि यार कहाँ है आखिर, तो उस चक्कर मैंने खुलवा के देखा था ये, तो मेरी बाइक की वारंटी भी शायद चली गई है अब, तो इसको खुलवाने के बाद मैंने अंदर से देखा था। तो यहाँ पे एक बीच में इस साइड से बिल्कुल ऐसे एक पार्टीशन कर रखी है, जिसकी वजह से ये हिस्सा थोड़ा सा अलग है मेन इंजन से, ये जो अपना इंजन है ना इससे ये हिस्सा थोड़ा सा अलग है। और इसके अंदर क्या होता है कि ये दो पाइप है, एक पाइप में से ऑयल इसके अंदर आता है, इस एरिया में घूमता है वो ऑयल, समझ रहे हो, इस एरिया में घूमता है और फिर दूसरी पाइप से अंदर चला जाता है। और इस एरिया में ऑयल ठंडा होता है, जब बाइक चल रही होती है तो हवा आती है, और हवा आने की वजह से देखो इसको मैं लगाता हूँ ना, तो लगाने के बाद यहाँ पर जगह खाली है, देख रहे हो आप, तो ये पूरा कवर नहीं करता इसको, और मैं एक बार हाँ यहाँ पे फिट हो जाता है, तो यहाँ पे जगह खाली है आपको दिख रही होगी ये, और इसमें से हवा अंदर जाती है और हवा से ये चीज़ें ठंडी होती है और फिर ये चीज़ें ठंडी होकर ऑयल को ठंडा करती है। तो ऐसे इसका ऑयल कूलिंग सिस्टम काम करता है, और ये टीवीएस की ब्रांडिंग यहाँ पे की गई है, और ये तो लगाना ही था क्योंकि इंजन की लुक ख़राब हो जाती है अगर ये नहीं लगाते तो, अगर इसको ऐसा खुला छोड़ दिया जाता तो लुक्स का भी थोड़ा ध्यान रखती है ना टीवीएस, क्योंकि इतनी प्यारी लुक्स बनाई है बाइक, इतनी सेक्सी लगती है देखने में, तो यार ये सब चीज़ें क्यों नहीं लगाएगी टीवीएस। वैसे इसको ना भी लगाते कोई दिक्कत नहीं होती, काम चल जाता, लेकिन काम ही चलता, लुक तो ख़राब होती ना। तो अभी मैं इसको वापस लगा देता हूँ, फिर अपन एक बार टीएफटी स्क्रीन के बारे में बात करते हैं। अभी मैंने इसको पूरा टाइट कर दिया है, फुल सेट कर दिया है इसको अपनी जगह पे, और बता देता हूँ जैसे कि यहाँ पे जो रेडिएटर आता है ना छोटा सा, वो जितना काम करता है, जितना ठंडा करता है ऑयल को, उतना मैं भी ये नहीं कर सकता, क्योंकि ये डायरेक्ट इंजन के कॉन्टैक्ट में है और थोड़ा बहुत गर्म तो ये रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ हद तक मतलब ये हाफ़ रेडिएटर आप मान सकते हैं, जैसे कि हाफ गर्लफ्रेंड है ना, तो
सॉरी मजाक करने के लिए, लेकिन हाफ रेडिएटर मान सकते हो, हाफ ऑयल कूलिंग सिस्टम है इस बाइक में, पूरी तरह से नहीं है लेकिन हाँ फिर भी है कुछ तो है ये समझो आप, कुछ नहीं से तो कुछ तो अच्छा है ना, तो वही चीज़ है इस बाइक के साथ। अब यहाँ बात करते हैं TFT स्क्रीन की। काफ़ी लोग पूछते हैं TFT स्क्रीन के बारे में, क्योंकि TVS ने बोला था और लॉन्चिंग के टाइम भी दिखाया था बाइक में आपको दो मीटर देखने को मिलेंगे, एक डिजिटल और एक TFT। तो देखो TFT स्क्रीन के बारे में मैंने शोरूम से पूछा है, उनके पास कोई अपडेट नहीं है कि कब तक आएगी कैसे आएगी, मतलब जिस बाइक में डिजिटल मीटर आ रहा है उसी में अलग से एसेसरी के तौर पर TFT स्क्रीन इंस्टॉल करवा सकते हो, कुछ ऐसा रहने वाला है, या फिर एक प्रॉपर नया वेरियंट रेडर का आएगा जिसके अंदर TFT स्क्रीन मिलेगी। अब इस चीज़ के बारे में कन्फर्म नहीं हूँ तो इस वजह से मैं आपको कोई भी मैसेज नहीं कर रहा था और ना ही मैं आपको कोई जवाब दे रहा था इस चीज़ के चक्कर में। और अभी तो सही बताऊँ तो TVS इस बाइक का प्रोडक्शन भी पूरी तरह से नहीं कर पा रहा, जिस तरह से बाइक सेल हो रही है तो प्रोडक्शन भी नहीं हो पा रहा है, काफ़ी जगह तो बाइक ही अवेलेबल नहीं है, बहुत सारी जगह है जो कि लोग मुझे मैसेज करते हैं कमेंट करते हैं कि भाई हमारे स्टेट में या फिर हमारी सिटी में रेडर अवेलेबल ही नहीं है, लोगों को मिल ही नहीं पा रही है, तो अभी इसको बनाएगी या फिर TFT स्क्रीन बनाएगी इस बाइक की, तो मुझे नहीं पता बाइक बनाएगी या फिर TFT स्क्रीन, लेकिन मेरे हिसाब से तो पहले कंपनी बाइक ही बनाएगी और TFT स्क्रीन को आने में मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन अभी उसकी उम्मीद ना करो तो मेरे हिसाब से बेटर है, क्योंकि जब बाइक का प्रोडक्शन पूरा हो पाएगा और बाइक अच्छे से आपको अवेलेबल हो पाएगी, शोरूम पर अवेलेबल हो पाएगी, उसके बाद मेरे हिसाब से TFT स्क्रीन देखने को मिलेगी एसेसरी के तौर पर या फिर अलग से इसका नया मॉडल लॉन्च किया जाएगा। खैर इस वीडियो में जितना मुझे अभी तक पता है इस बाइक के बारे में उतना सब कुछ मैंने आपको बता दिया, इसके बाद जैसे कोई ऑफिशियल अपडेट आती है, कुछ ऑफिशियल न्यूज आती है TFT स्क्रीन को लेके, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक कर लेना और अपने भाई को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना यार, अच्छा लगता है जब आप लोग इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होते हैं, इतना सपोर्ट तो करना चाहिए अपने भाई को, तो बस इतना ही था, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना, मस्त रहो और खुश रहो यार।